अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और खूब एक्सरसाइज करते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वॉक करते हैं, लेकिन ना तो आपके शुगर्स कंट्रोल हो रहे हैं और ना वेट कंट्रोल हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज जो करनी होती है वो हमें फिट प्रिंसिपल के हिसाब से करनी होती है। फिट प्रिंसिपल का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स इन ए वीक करनी होती है और जिसमें कि एक दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आई मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब जब आप एक्सरसाइज करें तो आपकी धड़कन जो होती है वो कम से कम जो आपकी मैक्सिमम हर्ट रेट है उसके 50-70% बीट करनी चाहिए। तो नॉर्मली समझने के लिए आप ये मानिए कि आपको एक्सरसाइज करते हुए पसीना आना चाहिए या आपकी हर्ट बीट 120-140 बीट्स पर मिनट होती है। टाइप ऑफ एक्सरसाइज मतलब जो वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग होती है ये होती है एरोबिक एक्सरसाइज। तो आपको सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको साथ साथ में एनएरोबिक एक्सरसाइज भी करनी है जिसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स, पुलअप्स। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स इन ए वीक एनएरोबिक एक्सरसाइज भी करनी होती है। और टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं, यूजुअली मॉर्निंग में करते हैं तो उससे जो गुड इफेक्ट्स हैं वो पूरे दिन रहते हैं, और अगर आप शाम को ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, तो आपके सुबह शुगर स्लो होने के चांस रहते हैं। तो आप फिट प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सरसाइज करिए, तभी आपको डायबिटीज़ और वेट पे बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिलेंगे।